जी को हमारी मारती है, हमको कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है साहेब, हमको पट्टा से बिल बहुत मारे हैं साहेब। वहाँ बच्चा मेरा टंगा मेला 3 दिन गोल बना रहा। जब रिजल्ट आया मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया। कहाँ रह रहा है आपका पति? रास्ता आधा खर्चा बीत चुका है, हम जाएंगे तो जेल, लेकिन मार के जाएंगे। अभी गिरफ्तार हमारे घर में घुस के गाड़ी हो गई, खत्म हो गए सर। पुलिस साहब एतवार को आए साहेब, सबको चार्जिंग पर लगा कर रखो, गाली देते साहेब, गाली देते। हमारे पिताजी की जो है धक्का मार के जीप में बैठा लिए, हम भी वहीं खड़े थे, हमको भी मार के बैठाए साहेब। बोले रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो इसको, जबरदस्ती साहेब हमारे द्वारा एक रास्ता दिया होता है साहेब। और प्रधान साहेब गुंडा है साहेब, साहेब एकदम। कप्तान साहब क्या कह रहे हैं, गए थे वहाँ कप्तान साहब के पास भी गए थे साहेब, वहाँ फोन लगवाए साहेब। क्या कह दिया? जो हमारी औरतें गई थी और पिताजी को छोड़वा दिए साहेब, हमको जो है अंदर करके बहुत मारे साहेब, एकदम डाल पे पीठ पे पट्टा पट्टा साहेब, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि रास्ता क्यों नहीं दोगे के साहेब, हमारी दुआरी का रास्ता जवाब कहाँ है साहेब। इस बार शनिवार को आ जाओगे तहसील लालगंज में, ठीक है? इस नंबर से संपर्क में रहोगे, फ़ोन करते रहोगे हमें। साहेब एकदम पाचे लगा है, जहाँ मिलते हैं साहेब वहाँ गाली देते रहते हैं साहेब। पिताजी को हमारी मारती है, हमको कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है साहेब, हमको पट्टा से बिल बहुत मारे हैं साहेब वहाँ उधर कान पे साहेब। कराते हैं दोनों मामले में साथी तो कह रहे दारू पीता तभी से भगा देता है, कोई सुनाई नहीं करी और कोई जांच नहीं करी। बच्चा मेरा टंगा मेला 3 दिन गोल बना रहा और वो धमकी दई कि तेरा प्लाट लेता था, कह रही थी कैसे लेता तेरे दाग बड़ा बड़ा कर प्लाट नहीं ले पाऊँ, प्लाट ही नहीं ले कुछ मुहार के लगने तो इतवार के बच्चे को हार भैंस है देखन पर लौट के नहीं आऊँ तो मारा टंगा मेला। बस हमें बहुत ढूंढू सवा ना तो वे मुँह घूमने नहीं आऊँ, सड़ गई थी बॉडी। पोस्टमार्टम हुआ था, देखी रिपोर्ट? पोस्टमार्टम हुआ बस उससे आएगा, बस इतनी कह रहे फांसी लगाया साहब, धमकी दे रहे मुझे धमकी दे साहब ना तुम घूमने कोई सुनाई नहीं कर रहा हूँ ना कोई पूछ रहा हूँ। और जिनने मुझे धमकी दी थी मैंने उनका नाम लगाया, पुलिस वाला कह रहा था क्या मैं तुम उसको बंद कर दूँ क्या, गवाए जब मुझे साफ को नहीं है तो मुझको गवाए थे, मैं तो गवाह को मुँह ही नहीं हूँ, मैं तो अकेली रह गई। पोस्टमार्टम में क्या बताने को जो धमकी दे रहे मुझे फोन कराया साहब एक दिन जब बच्चा ने मुझसे बात की थी तो मैंने कही कहा भाई ये कहाँ के रखा नहीं तुम्हारा क्या, उसका कुछ कारण तो होगा, फोन नहीं मिलो साहब। आत्महत्या का कारण क्या है बाबू जी? आत्महत्या नहीं करा तुम पता कर लो, मुझे पास 6 भैंसें दूध देती, चक्की लगी अकेलो बच्चा पूरा 1000 रुपया वो कार का काम है पर सबको कह रहा हूँ मार के टांग दो तेरे आप ढार दो, कोई सुनाई नहीं कर रहे साहब, मुझे मो न्याय चाहिए साहब, मैं खुद आत्महत्या कर लो, मैं कहूँ नहीं है अब साहब कराते हैं आपको मुझे बात कहूँ नहीं है तुम ही हो साहब। जैन, ये एक महिला आई हुई है यहाँ पर राठ कोतवाली की हैं, इनका बेटा जिसका नाम वकेला था उसकी डेड बॉडी मिली, इनका शक है कई नंबरों के बारे में, इन्होंने दिया है कि उसका मोबाइल नंबर अपने बेटे का भी दिया हुआ है। प्रार्थिया के पुत्र उसके पास 7700 रुपये भी थे उस समय। उसकी लाश जो मिली वो राठ महावीरन मंदिर के पास में मिली। हाँ ये किस किस ने मौका मुआयना किया इसका? सर ये कब की घटना बता रहे हैं? ये है 12/8 की सर। मैं सर अभी ये पूछिए, एक तो जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है कम से कम सीओ जरूर जाएगा वहाँ। नहीं सर बिल्कुल जाता है। इस मामले में एडिशनल एसपी को भेजिए अपने, ठीक है? आज देख के मुझे शाम तक बताएंगे कि क्या है असलियत क्या है।
और सबसे पहली बात ये कहने कि चले आत्महत्या भी कहते हो तो आत्महत्या की क्यों उसने, कोई कारण रहा होगा सर। तो ये देख के और इनका जो FIR लिख दीजिएगा नहीं तो, उसके बाद में जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। चलिए सब हो जाएगा, जाओ पहुँचो अपने घर। बताइए सर। पिताजी हमारे 76 साल के करीब हो गए हैं सर, बादा में हमारी पोस्टिंग है, उनको हर महीने सर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है सर। कहाँ जाना चाहते हो सर? कौशाम्बी सर। रेंज का टाइम पूरा है, रेंज या जिले का? नहीं, खाली चित्रकूट का पूरा है बस, 5 साल वहाँ रहे सर। सर उनको बड़ी ज़रूरत है सर। ये बड़े बाबू के बाद दिखवा लो, बैठो अभी बड़े बाबू से मिलो, अभी बताएंगे आपका रिकॉर्ड देख के बताएंगे। बैठिए बताइए। सर मैं गाजीपुर के रहने वाली हूँ सर, बादाम पोस्टिंग में सर, हमें आने जाने की दिक्कत। कहाँ जाना चाहते हो सर? ये प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ पोस्टिंग चल रही है वहाँ? थाने में हो, कहाँ पर हो? यूपी 112। हाँ 112 में लगातार 112 कर रही हो ड्यूटी? नहीं सर। और ग्वाली में थी। ठीक है। भाई दो बेटियां हैं और मैं सास मां बच्चों को पालती थी, अब सास की तबीयत अब खराब रहती है, हार्ट अटैक की बीमारी है, ऑपरेशन वगैरह हुआ, आप वो कह रहे हैं अपने बच्चों को ले जाओ, सोच रहे नज़दीक पोस्टिंग हो जाए। कहाँ जाना चाहते हो? प्रयागराज जाना चाहते, 112 में पोस्टिंग। 112 में है वहाँ? ठीक सर। एक आवेदक आए थे मुकदमा लिखवाने के लिए, मुकदमा लिखाने चाहिए था सर, मैं अवकाश लेता कि आपको जब लौट के आए थे अवकाश से, जब आपको लेना चाहिए था सर, मुझे कोई मिला नहीं, तो कैसा नहीं मिला था सर, लेकिन सर मुझे दूसरे ये तो ये बात बताई नहीं अपने कप्तान साहब को, जांच अधिकारी को, फिर अपील गई होगी आपकी IG साहब के पास। अपील किसके पास गई है? अपील किया था तो हाँ, तो बताया नहीं उनको, बताना चाहिए था आपको। जी सर बताए थे सर, लेकिन सुना ही नहीं किसी ने। ठीक है, देखें आ गई है हमारे यहाँ पर रिवीजन। ये आप रहने वाले कहाँ? हमीरपुर के हैं। हाँ जी सर। क्या हुआ क्या सर? एक्चुअली मैंने ये जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें दिया हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है। तो मैंने वेरिफिकेशन करवाया सर, वेरिफिकेशन में क्या हुआ, EWS की जगह मैंने एक बार इनकम सर्टिफिकेट इनिशियली फॉर्म में डाल दिया था, तो इनिशियली ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी व्यक्ति की वार्षिक आय तय करता है, और जो EWS बनता है सर वो डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट की कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, जो मैंने प्रारूप के पहले ही दिया हुआ था, अपलोड किया हुआ था, लेकिन जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगरा में हुआ तो मैंने उस टाइम EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया था सर, जो मेरे पर रिकॉर्ड में है अभी, ये इसकी सर आप डेट दे दीजिए, और ये मैंने सबमिट किया हुआ था वहाँ, और उन्होंने सबमिट भी कर लिया था सर, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे EWS कैटेगरी से हटा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया फाइनल रिजल्ट में, जबकि यदि EWS कैटेगरी में होता तो मेरे 1.5 नंबर से ज़्यादा है और मैं क्वालिफाई हो गया। और जनरल में सिलेक्शन हो गया नहीं फिर सर? जनरल कैटेगरी के नंबर नहीं थे मेरे पास, EWS कैटेगरी के नंबर थे, इसी से मैंने फॉर्म भरा हुआ था, और मेरे 1.5 नंबर ज़्यादा है और सर मुझे डिस्क्वालीफाई। तो इसमें वहाँ से किस जिले में हुआ था ये आपका, ये क्या सर ये कहाँ किस जिले में हुआ था ये स्कूटनी जो है PET वगैरह कहाँ हुआ था? PET मेरी सर ये ये तो वहाँ अपील जो अधिकारी बैठते हैं उनके पास चले जाते ना सर, वो तो जब रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने डाल दिया। हाँ तो अभी एक बार या तो फिर वहाँ जाइए बोर्ड जाइए या हाई कोर्ट जाइए, दो ही जगह हैं बस। सर आप बोर्ड के लिए आपको मार्गदर्शन दे नहीं, बोर्ड में चले जाइए, बोर्ड में वहाँ पर बात कर लीजिए, बोर्ड में बैठते हैं शायद वो स्वर्णकार बैठते हैं सर, एक बार ADG कर लीजिए आप, 4 साल में सर वैकेंसी आती है एक बार के लिए, अब मेरी एज भी हो रही है सर, और मैंने लोन भी ले रखा सर बैंक से, वो भी मुझे देना है। नटार के स्वर्णकार
ये जो आपने इनकम सर्टिफिकेट में भरी थी वो ईडब्ल्यूएस में आती है वो इनकम इतनी? हाँ जी सर, वो 8 लाख लेते हैं उसमें 47,000 आती है। जैन क्या हाल है स्वर्णकार जी? ठीक है भैया। आप बोर्ड आप ही देख रहे हो ना अभी? तो बोर्ड हम तो नंबर 2 हैं। नंबर 2 ही काम करता। अरे अरे एक बार नाम का एक लड़का ये आया हुआ मेरे पास में, SI की परीक्षा दी थी इसने, ये EWS में क्वालिफाई हो जा रहा है इसने, लेकिन शुरू में गलती कर दी, एक इनकम सर्टिफिकेट नंबर भर दिया उसमें EWS की बजाय, बाद में इसने अपना EWS का सर्टिफिकेट भी दे दिया जब वेरिफिकेशन हुआ। अब कुछ हो सकता है इसका रिजल्ट में EWS का, क्योंकि लोअर कट ऑफ होगा। हाँ नेट पे तो आया है वो कट ऑफ में, लेकिन EWS में जो इसे कंसीडर होना चाहिए था वो नहीं किया गया, ये उसका प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपसे मिल सकते हैं ये? केवल हाई कोर्ट से होगा। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक बताता हूँ। ठीक नहीं ठीक है ठीक बिल्कुल सही बताता हूँ इनको, यही तो थैंक यू। इसमें जो हो गया हो गया, अब आपके पास एक ही विकल्प बचा, हाईकोर्ट में रिट कर दीजिए। ठीक है कर दीजिए, या बहुत सारे केसेस हैं ऐसे आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी इससे जो है वहाँ से नहीं हो पाएगा, बोर्ड से नहीं हो पाएगा। कहाँ रह रहा है आपका पति? सर बिना बताए भाग गया सर के। कुछ पता आता पता है कुछ कहाँ भाग गया? नहीं ये भी नहीं पता। सऊदी भाग गया? हाँ विदेश गया या यहीं कहीं आसपास है? विदेश भाग गया सर। पासपोर्ट बनवा रखा उसने? हाँ जब हमारा बच्चा था तभी भाग गया। अरे लो ये ले लो, ये ले लो, बात कर लो इससे, बात करके इसके पति को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर कहाँ रह कर रही है पुत्री आपकी अभी? कैसे सर अभी कहाँ पर है पुत्री आपकी? सर जो है मार दिया गया। मार दिया सर, कोई FIR भी नहीं लिखा जा रहा था सर। ये ससुराल थी कहाँ? ससुराल कहाँ पर है? ये समाहा गांव में सर। थाना? थाना हटिया सर। तुम आ गए थे? हाँ सर। तो इसके दाह संस्कार में शामिल हुए थे आप? हाँ सर। हुए थे सर, वहाँ जो है लाश को जो है हम लोग को ना पहुँचने पे जो है लाश को जो है मैजिक पे लाद के जो रोड पे जो है मोड़ मोड़ के देख रेख दिए जो है। पंचनामे में शामिल थे आप? नहीं सर पंचनामे में नहीं शामिल थे। पंचनामे जो है प्रधान जो है उसमें आकर जो है पंचनामा करके जो है अपना जो है लाश जो है मैजिक पे लाद के रोड पे जो है हम लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं देखने को दिए सर। वहाँ पर जो है जाते हैं सर गिरफ्तारी के लिए बोलते हैं तो कहते हैं जो सीओ साहब जाते हैं बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब। जब इसमें 2017 में आप लिख रहे हो हिंदू रीति रिवाज से की, तो इसमें जात पात की बात कहाँ से आ गई? आप कह रहे हो कि जाति सूचक को कहते हैं सर। बबलू यादव जो है ये दो परिवारों के बीच बैठ के वहाँ पे इनके यहाँ पर बैठ के दारू शराब पीता तो वो उकसाया, इसी तरह हमारी हत्या हो गई। हमारी जो है लगातार 20 तारीख FIR दर्ज नहीं कर रहे तो आपके माध्यम से सर फोन वहाँ से हम लोग करवाए थे, तो फोन पे एप्लीकेशन भेजा था व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आके 8 बजे रात एप्लीकेशन लेके तो FIR दर्ज किए, और उसके बाद जब यहाँ गिरफ्तारी की बात कही गई तो वहाँ गए सीओ साहब के पास हम लोग गए, वहाँ पे यहाँ मुखबिरी भी सूचना भी देते हैं तो कहते हैं ठीक है आते हैं, मगर फ़ोन किया जाता है मौके पे पहुँचते नहीं, फ़ोन उठाते हैं फ़ोन भी करते हैं जब फ़ोन नहीं उठाते उस समय जो है। CO से बात करा देना, CO हंडिया, तो आप तो आई हो तो CO हंडिया होंगे ना इसके। और SSP साहब के यहाँ गए थे तो वहाँ तत्काल गिरफ्तारी के लिए आदेश हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे गए तो कहें कि हम अपने सिस्टम से करेंगे, कहें एक बार कहें सूचना दी, जब सूचना दिया जाता है रात में तो उन्हें नहीं बताते। 1 तारीख को उनके भाई के मोबाइल पर फोन नंबर आया तो फोन किया गया था कि हाँ हमने किसने किया, किसके फ़ोन से आया? उसके लग पा रहा नहीं फ़ोन, लो ये पेश कर बताइए। सर
सर माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के विषय में है सर। 12 फीट का रास्ता मिला था और थाने पर SDM साहब बार बार अप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पर तो कहते हैं कि आदेश कर देते हैं महिला पुलिस बल द्वारा साहब, इसी में साल भर हो गया। अब थाने जाते हैं, थाने वाले कहते हैं चौकी जाइए, 15 दिन के बाद आइए, तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन सर आज तक हुआ नहीं सर। देखिए आदेश साहब है, कोर्ट का 12 फीट का रास्ता आधा खर्चा बीत चुका है, पूरा पश्चिम को जाएगा जो कि आबादी की भूमि पर स्थित आबादी की भूमि के स्वामी उभय पक्ष, किंतु इस मकान के दक्षिण आवागमन के लिए 12 फीट थोड़ा रास्ता कायम रहेगा जो पूरा नेटो चकमाग स्थित रहेगा। ये हो गया, तो वहाँ जाएगा तो इसमें समाधान दिवस में नहीं हो पा रहा है? दिए दिए सर, दिए 4-5 बार SDM साहब भी आदेश दिए। आदेश क्या उन्हें खुद जाना चाहिए अगर नहीं हो पा रहा तो आदेश करने से क्या होता? हाँ तो सब उनके हाथ में है, फोर्स वगैरह ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे। कोर्ट की चिट्ठी भी सर, दिखाइए कोर्ट की चिट्ठी SDM साहब की, लेकिन एक हफ्ते में आदेश का अनुपालन हो जाएगा, दो हफ्ते हो जाएगा, इसी तरीके से सर। बरसात के दिन में सर बड़ी समस्या होती है, आधा बीत चुका है आधा बाकी है। इनको नंबर दे दो ये, इस बार कल जाइए तहसील दिवस पे, और इस फ़ोन से संपर्क में रहिए, इनको थाने को भी नोट करा दीजिए अभी कि इसमें महिला पुलिस भी रखेगा अपने, ठीक है? सराय ममरेज को अभी नोट करा देना कि महिला पुलिस भी इस काम के लिए रखेगा वो। न्यायालय का आदेश का अनुपालन ही है श्रीमान जी। ठीक, भाई बहन का जो केस था सर, इसकी भी वजह से मैं तो CEO साहब कर रहा है, और इनके जो भाई लोग हैं मतलब आते हैं 11 के बाद के, सिर्फ सलमान जेल गया है, जब वो आते हैं मतलब रात में, और नहीं भी आते तो उनकी बहन लोग खाना भी पहुंचाती है, रोज़ कपड़ा भी पहुंचाती है, और जब देखो जब ये धमकी दे दी है कि हम जाएंगे तो जेल, लेकिन मार के जाएंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी? गिरफ्तारी जो रिश्ता पड़ जाता है ना, जो मतलब हमारी बहन थी तो हमारी बहन की जो चच्ची है वो ननंद भी लगती है, हमारे चच्चा की शादी उन्हीं घर के साथ हुई है। हाँ तो अब जब से आई साहब तो ऑर्डर देते हैं कि आप गिरफ्तार, लेकिन वहाँ से ना थाना से ना चौकी से कोई लोग गिरफ्तार नहीं जाते हैं करने। और सर अगर मतलब वो होता है मतलब आधी बॉडी का कंकाल दिया है, अभी पैर हाथ सर ये नहीं दिया, खोले हम धमकी भी देते हैं, ले तो आते हैं। पेशकार से निर्देश दिलवाना, IO SHO को यहीं बुला लो पार्टीज के साथ, और कुछ बोलो तो फिर हमारे चाचा को पूरा मुक्ति कर देंगे। जिस स्टेट में बुलाया जाए यहाँ आ जाना। 27 फरवरी का मैटर है सर, हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी, हमें अलौकी बात के आगे तिलक हॉस्पिटल वहाँ पर सर भर्ती थे सर, ये गुंडा बलमा किसी के आदमी का कई झगड़ा करते, कई आदमी को मार चुके हैं सर, और घर में घुस के गाली गोल करके वोट वाले गए, वोट निकाल रहे थे उसी दिन वोट पा रही थी, तो उन्होंने माना कि तबीयत आई, आगे पीछे CEO साहब ने बुलाए, बयान किया, गवाही के बयान करा, फिर भी आज तक इनके नाम कुछ नहीं हुआ सर। ये 12 तारीख से बंजर की जमीन कब्जा करके मेरी दीवार घर बना रहे हैं सर, ये तो साहब आज माना भी कहेगा कि ये सब ये मेरी दीवार ये सब खोले हैं, माना करके फिर भी नहीं मान रहे, ये लोग हैं आतंकवादी सर, ये लड़का ये फिर मैं दीवानी किया सब इसते जमीन फिर भी हो गई है, माना करने गए कुल कमी फिर भी सब नहीं मारे, आज लेंटर हो सकता पड़ जाए सर, 6 फुट में फिर भिन्नता किया, ऊपर छत में गोला पर बटिक बिछा भी लिया, लेंटर पड़ने वाला सर, बार बार गाली गलौज करते हैं सर, उनके अपराध उठा रही है सर 2020 के, ये सब किसी से सब छेड़खानी के हैं, 307 के मुकदमा है सर। कितने मुकदमे होंगे सब मिला के उस पर? अभी जीते सब हैं सर, अभी हम सब लग गए सर इसी में, और दरोगा जी कह रहे हैं कि उनके पास कोई भी रजिस्टर नंबर 4 8
ये इनकम सोर्स मंगाया हूँ ये सब दे। तब फिर एक आदमी बता कि जाओ वहाँ वहाँ न्याय मिलेगा आपको, कहीं भी असर नहीं मिला। पिताजी को हमने फोन किया, सरकार के लिए देख लिया सब, उनका हार्ट अटैक हो गया जब सुना कि हमारे घर में घुस के गाली हो गई, तभी ख़त्म हो गए सर। अभी 12 तारीख से अभी कब्जा करना चाहते हैं, बंजर की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं सर। ये 25 तारीख को मैंने रजिस्ट्री भी किया, अब आई हो या ना आई हो सर, तब फिर मुझे एक आदमी ने सर न्याय मिल जाएगा। कहीं भी 27 फरवरी से परेशान है सर। गुड मॉर्निंग अतुल, ये एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए मेरे सामने, इनका नाम है सर, ये है रामनगर थाना रायपुरा चित्रकूट। इनका जो विरोधी है आदि, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये मुझे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि आपराधिक व्यक्ति है, इस पर छेड़खानी के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं। इन्होंने RTI निकलवाया तो RTI में गलत सूचना उसने दे दी, RTI में दे रखा है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। एक तो सबसे पहले इसमें PE कराइए, आज पहले दिखवाइए अपने अपने पेशकार से या किसी को भेज कर ये दिखवाइए कि इसका अपराध है, उसके बाद क्यों छुपाया इसने। ठीक है, और ये बदमाशी कर रहा है उनके इनके साथ में, इसका मतलब मिली भगत है SO की कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तक नहीं देना चाहता, इसका मतलब है कि ये जो है इनका काम क्या करेगा अपराधी का। तो इस पर जाँच करा के इसको दंडित कीजिए, और ये इनके खिलाफ़ जो है कानून कार्रवाई, मान लिया इन पे जो है ये छेड़खानी कई सारे मुकदमे, देखिए गुंडा या 110G जो भी कार्रवाई करना चाहते हो कीजिए इनके। हाँ तो ये इसको दिखाइए, क्रिमिनल हिस्ट्री है तो इन्होंने नील क्रिमिनल हिस्ट्री क्यों दिखाई, या CO को भेज कर पूरी जाँच करा के CO साहब के बयान है, गवाही सब दे आज सब। हाँ और ये CO के यहाँ इनके बयान भी हो चुके हैं इस बारे में, 4 मार्च पूरा पता कर लेता हूँ, पूरा पता करके CO को जानकारी होगा और इसने क्या लापरवाही की है देख के बताएंगे मुझे। ठीक है, वहाँ उनसे ही मिलना, ठीक है, आज जांच के लिए कोई ना कोई जाएगा।